क्यों सर ऑटो नहीं मिल रहा? नहीं 10 रुपये ई रिक्शा वाले भी देते सर। नहीं 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 रिक्शा भी ई रिक्शा भी चौक से आप कैलाश दो तो मिल जाए, दो तो बात करते करते चले जाओ। देख लो डब्बल देखो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है चलेंगे। दो चलेंगे क्या जी? अभी कर रहा मैं, ये पहले जो क्वेश्चन दे दें, इसके बाद जो बीच में होगा ना मैं आपको चेक कर लूँगा। देखो क्या है, फिर जो है टॉपिक है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टार्ट करते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस मोड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, फाइंड देयर रियल रूट प्रोडक्ट। क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर रियल, इसके रियल रूट का प्रोडक्ट निकालना है। सीधा सवाल है, यानी इसके वास्तविक मूल्यों का गुणनफल निकालना। ठीक, अगर ये यूं होता है एफ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस से कोई दिक्कत थी नहीं भाई, ये मोड होता क्या है भाई? क्या कहते हैं देखो इसका, ये मोड क्या होता है, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स भी हो सकती है, प्लस एक्स भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये होता है मोड कब, अगर एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन, अगर एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू ये तो होता है भाई, इफ एक्स इज लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इफ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये माइनस एक्स है माइनस माइनस, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। सिक्स के ऐसे फैक्टर जिनका क्या हो वन हो, क्या आएगा पहली बार आया है तो इतना सीधा है एक्स स्क्वायर प्लस, ए आई टी में है तो सवाल ये, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स दोनों दिख रहा होगा भाई, छोटा छोटा था इसकी वजह से लिख रहे हैं, न्यू भाग जाएगी लाइट भाग जाएगी। एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, दो चीज़ों के प्रोडक्ट ये हो तो 0 है तो 0, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 दैन x इक्वल टू माइनस 3, इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 दैन x इक्वल टू 2 है भाई। ये करते यार तो मेरी बचत हो जाएगी, पहले क्वेश्चन में बोल रहा क्या मैंने क्या आएगी भाई, एक आएगी हाँ बोलो बोलो क्या आएगी, एक एक माइनस टू और एक। देखो भाई माइनस, देखो भाई अब एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, जीरो से छोटी है, जीरो कौन सी लूंगा, ये तो जीरो से बड़ी हो गई तो कौन सी लूंगा यहाँ, यानी कि ये पास हो जाएगी मेरी वैल्यू, क्यों
ठीक, ये तो फेल हो जाएंगे यहाँ, ये इसको कोई लेने देना नहीं। अब इधर ही है, क्या होगा भाई इसमें, कौन से आएगा थ्री, तब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई, नहीं माइनस थ्री मल्टीप्लाई सिंपल ना लाऊं, वैसे लाऊं हार्ड वाले, तो क्या है एक हार्ड वाले तो जिसे पहले दिन कराए थे मैंने, हार्ड जिसका बढ़े था है, सिंपल था ये अच्छा। चलो मैं अब भाई से देख लूँ, भाई से लिख लेंगे क्या हो गया, अभी लिख दूँ मैं, देखो लो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ला रहा है। अच्छा जी, क्यों सिंपल क्वेश्चन है ये, जब कर लें जब तो सिंपल पता लगे है भाई। अगर तुम वो देखो, दुनिया कोई भी क्वेश्चन है जब आप उसको कर लोगे तो सिंपल है, अगर नहीं करा वो, जब कोई मूवी को देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आया था तो मूवी, मोबाइल देखो कोई तुम्हारे में देखता होगा, कितने घंटे देख लो, एक घंटे देख लो लगातार, तो दो घंटे बाद उससे देखो तो क्या क्या पूछो, क्या देखा तो क्या बताएगा वो, कुछ भी नहीं, और उसके बिना रह सकता नहीं है। देखो भाई एक सवाल है, देखो क्वेश्चन तो मिटो तो भाई सारा ही मिटो, ये पहले क्वेश्चन लिख दूंगा, ऐसे आएंगे आईटीआई यही आते हैं, इतना आसान ये तो है, अगर तुम करूंगा इजिली हो जाएंगे, ये तो बताना चाह रहा, ये तो कॉन्फिडेंस है। फॉर दिस, फॉर इसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, साइन एक्स प्लस टू साइन टू एक्स प्लस टू साइन टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, Having root, infinite, क्या आता है infinite, number one, number two, one, third, three, fourth, कोई नहीं है, नन ऑफ दी, क्या है नन ऑफ दी, क्या कह रहा है पता क्या है, आज हालत कैसी हो रही, बताऊं कैसी हालत हो रही,
जय आदमी की एक खास बात होती है, उसे जिस हालत में रखो ऐसा ही हो जाओ। मिसाल के तौर पर जो बच्चा पढ़ने वाला है, अगर उसे पढ़ना है तो सिर्फ एक ही काम रहेगा, क्या होगा? सिर्फ पढ़ना है। जिसे नहीं पढ़ना, इसके लिए क्या होगा? गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, मैच है, मोबाइल है, सिर में दर्द हो रहा, तबियत ठंडी थी हो रही, आज रिश्तेदार आ गए थे, कल को हमें वहाँ जाना, आज बर्थडे है, मोहल्ले में शादी है, कल को पढ़ लेंगे, आज आज बुआ के, कल को मौसी के, इस तरह मतलब कुछ ना कुछ उसका, तो आज जिन्हें पढ़ते कल से पढ़ेंगे, उसको कुछ ना कुछ इस तरह आगे जिसे पढ़ना है तो भाई पढ़ लेंगे। और आदमी की बॉडी जैसी भी इस शक्ल में डालते हैं ऐसे ही उसकी बन जाती है। जैसे हमारे पास बहुत सारी चौका होती थी तो फेंक देते हैं, राज दी थे चिंका शिंका चल रहा गाँव में, आज पतंग खत्म हो, ध्यान लानी ध्यान दे रही होगी, ठीक है? तो जैसी मैं बता रहा, जैसी शक्ल है ऐसी मई, तो अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ोगे, नहीं आए तो बहुत बहाने, बहाने कितने हैं 100 और पढ़ने के कितने हैं सिर्फ, क्या करना पढ़ना, ये तो एक बात एक है, अर्निंग 99 ना पढ़नी है, बहुत काम है भाई हैं, तो गर्मी हो रही है जो आज कल तो बहुत, कल से ठंडा मौसम हो जाएगा, कल से मौसम बन जाएगा, कल से पढ़ेंगे और कल जाओगे आज आज बहुत ठंड हो रही, आज भी सो जाए चलो खैर। देखो ये क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, दिस इक्वेशन साइन x प्लस 2 साइन x माइनस साइन 3x इक्वल टू 3 हैविंग रूट, ये कितने रूट रखेगा ये इक्वेशन? बोलो सर, एक बार x की वैल्यू 0 पाई रखें, नहीं x बिलोंग्स टू पाई, x 0 से पाई तक है, x की वैल्यू 0 से पाई, 0 से पाई तक कौन कौन सी हो मान लिया, ये 0 30 15 45, 16 अप टू 180 रखती है, ये एक्स की वैल्यू 0 टू पाई, 0 नहीं आना, 0 नहीं आना समझे जी, मैंने मिटो दिया, देखो 0 मिटो दिया, 90 पहले 90 तक नहीं 180 तक ही रहेगी, हाँ तो 180 तक क्या कहा 3 तक मैंने वो नहीं होनी, ये बताऊंगा तो भाई ये क्यों नहीं होनी मैं बता रहा है, लेकिन नहीं समझ में होगा ये क्या, इन्होंने क्यों देख के बताया, तो इसके रूट इतने होंगे किस, क्या करेंगे भाई पहले तो सारे रखते चलूँगा हैं, वो बहुत रात हो जाएगी, इस इक्वेशन को ही मैं क्या कर लूँगा सोल्व करो, देखो करो, साइन एक्स प्लस 2 साइन 2 एक्स माइनस साइन 3 एक्स इक्वल टू 3, ठीक, साइन एक्स तो जू कर दूँ भाई 2 साइन x cos x साइन 3x का जी 4 करते थे, एक तो 2 यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा है 2 मल्टीप्लाई 2 साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन का क्यूब x, साइन 3x का फॉर्मूला होता है ना इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा ये सोल्व करेंगे भाई बोलो, साइन x प्लस 4 साइन x cos x माइनस 3 साइन x प्लस 4 साइन का क्यूब x इक्वल टू 3, ठीक है भाई, प्लस के साइन x माइनस के 3 साइन x कितना आ जाएगा 2 साइन x, 4 साइन x cos x माइनस 2 साइन x प्लस 4 साइन का क्यूब x इक्वल टू 3, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये दोनों में क्या कॉमन लो, तीनों में से साइन x, साइन x कॉमन लिया क्या हो जाएगा 4 cos x, बोलते हो 4 cos x माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, ठीक, अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स से 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 4 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, ये क्या आएगा 4
cos x minus 2 plus 4 minus 4 cos square x ठीक है भाई ये क्या आ जाएगा 4 cos x क्या आ जाएगा जी पहले स्क्वायर वाले पहले स्क्वायर वाले माइनस बाहर क्या जाएगा बोल लो स्क्वायर लेके क्या जाएगा बोल लो माइनस नहीं माइनस साइन एक्स बाहर को मैं लेके आ जाएगा 4 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x माइनस 4 cos x यहाँ से बात समझ आ गई अब अंदर क्या बन रही है अंदर क्या बन रही है इसका एक काम और कर सकता हूँ मैं यार क्वाड्रेटिक ने बना इन भाई साहब को ही नीचे ले लिया भाई तुम भाई साहब को हजम यार यहीं आ जाओ बहुत परेशान हो गया ठीक ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बना दो भाई इसके इसका 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 क्या आएगा बोलो इसका फॉर्मूला बनाना क्या आ जाएगा इसका बनेगा यानी ए स्क्वायर तो ये हो रहा टू टू ए बी हो रहा है क्या बन जाएगा देखना तेरा देखो ये तो ए का स्क्वायर तो ये रखा टू कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रखा भाई है भाई माइनस टू ए ए का मतलब टू कोस एक्स टू कोस एक्स अब यहाँ 4 कोस एक्स तो आ गया बस ये तो मल्टीप्लाई कितने ही करूँ वन की मल्टीप्लाई वन की नहीं करूँ आई नहीं बात ये है ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता ए स्क्वायर तो ये रहा माइनस टू ए की वैल्यू कितनी बी और अनाज में इनकी वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई अब तक के यहाँ तो 4 cos x जाना था आज पहले 4 cos x आ गया तो उसके लिए b कितना सिर्फ आई सुनो आ गया ना प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिक्कत नहीं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस 1 का स्क्वायर कर दूंगा हाँ तो कोई फर्क पड़ा इसे 1 चाहिए थे ना मुझे हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बी वन है ना तुम्हें आई नहीं पास में देखो यहाँ क्या लेना था मुझे 4 cos x नहीं कहीं आ गया ये तुमको तुमसे मल्टीप्लाई टू और ए की गुना करके बी भी तो आना था अन था बी की वैल्यू कितनी है 1 होनी चाहिए तो 4 जू का तुम रहेगा ये बी का स्क्वायर आएगा यहाँ 1 का स्क्वायर होना चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा जब प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 भी करूँगा जिससे फर्क ना पड़ेगा वैल्यू में या कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो अपनी तरफ से नहीं ऐसा थोड़ी होता है जितना जोड़ो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस के 2 = 3 अपॉन बताओ भाई क्या आ गया ये क्या आ गया 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कितना आ गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 भाई ये तो ये देखो ये तो फॉर्मूले में इस्तेमाल हो गया भाई ये है माइनस 3 अपॉन 3 अपॉन माइनस साइन बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में नहीं आई तो बताओ जी नहीं है तो आगे बताऊँ भाई मैं
एक काम कर देता हूँ, ये माइनस थ्री पूरा से लग रहा भाई, माइनस से क्या कर दूँ? माइनस से और क्या करूँ? देखो भाई, एक इनमें से पहले दो कॉमन ले लूँ, दो इनमें से दो कॉमन ले क्या जाएगा? cos x - 1/2 बाहर क्या जाएगा भाई? फिर क्या जाएगा? है भाई, इनमें टू कॉमन ले गए, टू का स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा, तो क्या आएगा? cos x - 1/2 cos x - 3 = -3। ये बुरा माइनस का लग रहा है ना, चाहे तो माइनस यहाँ लिख दूँ, चाहे यहाँ लिख दूँ, चाहे यहाँ लिख दूँ, एक ही बात नहीं होती, तो बुरा हर गाय लिखा मुझे उधर ही। तो क्या आएगा? 3 - 4 cos x - 1/2 का होल स्क्वायर = 3/5। दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक है, अब चार भी दोनों में से कॉमन ले लूँ भाई, मैं इन दोनों में से भी चार कॉमन ले लूँ, या पूरे को चार से डिवाइड कर दूँ, या पूरे को चार से, या यहाँ नहीं ले लेता हमने तो, दो दोनों में कॉमन ले लिया था, कॉमन भी कुछ भी लेते बड़े सारे हो गए। अच्छा, यहाँ तक की बात सोचते हम कुछ कॉमन नहीं लेते, छोड़ो, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो भाई, x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू कितनी है? 0 से ये कौन सी वैल्यू हो सके इसमें जो रखी है 0 से π/2 तक, ये दोनों इक्वल हो सके? रख देंगे नहीं नहीं, ये बराबर ही आ जाए, नहीं अंदाजा थोड़ी बहुत ही अकल तो है ही। अच्छा, तो cos पाई रख के देखिए, वैसे रख के देखिए जरा, पाई का मतलब नहीं, π/2 रख के देखो, π/2 का मतलब क्या होता है? 90 रख के देखिए जरा, इस वाले में, लास्ट वाले में लिख के देखते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, देखो बराबर आ रहा, सबके बराबर आ रहे, थ्री किस तरह आ रहा? cos π/2 की वैल्यू कितनी हो? 0, तो 0 हो गया, 4 - 1/4 कितना आ गया? कितना आ गया? 3। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? आ गया है नहीं? देख भाई, क्या जाएगा? 3 - 4 cos 90 - 1/2 का होल स्क्वायर = 3/sin 90। ये तो आ जाएगा बस, x की वैल्यू 90 रख दी भाई, क्योंकि x की वैल्यू में कहाँ से ले, कहाँ तक ले रहा? 0 से π तक ले रहा। अच्छा, 3 - 4 cos 90 की वैल्यू कितनी हो भाई? 0 - 1/2 का होल स्क्वायर, इनकी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 नहीं आ जाएगा? बोलो, एक मिनट इधर देखो, इक्वल टू क्या आएगा? 3/1
फोर से थ्री माइनस वन इजल टू थ्री, टू इजल टू थ्री हो सके, टू आएगा थ्री आएगा भाई, बराबर नहीं हो रही ना। है नहीं नहीं, बोर्ड मास होता है ना बेटे, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट खुलेगा ना, बोर्ड मास पता नहीं पहले का इसका स्क्वायर खुलना बेटे, बोर्ड ये थोड़ा ही है कि फिर तो सत्रह वो है ये, अगर अगर ये होता बेटे थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई फोर तो थ्री माइनस टू बता दू, यूँ यूँ होगा पहले क्या खुलेगा, हाँ गुना होगी, ये भूल गए बात से सारी ध्यान रखनी है भाई, हो गया क्या इक्वल हुआ नहीं, अच्छा क्या जीरो की वैल्यू रखूँ मैं, को जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और साइन जीरो की वैल्यू, और जीरो से डिवाइड किया तो बेटा अगर ठंडी सड़क ही कर देगा तो इन्फिनिटी बना देगा, तो है दादा बिल्कुल ही जैसे महाभारत में शादी हो है, ये तो एक बार को चलो सोचे भी जाए एक बार है कि ना दो रुपये में काम चल जाए, है हो सके आगे ऐसी कोई वैल्यू, अगर वन बाई रूट टू रखो तो और ही बेटा अगर करते वन बाई रूट टू कहाँ ठाओगे, रूट टू देख के तो मैं ही डर जाऊँ, अरे कटवटता भी नहीं है कुछ है, तो हो सके ऐसी कोई वैल्यू जीरो से पाई के बीच, जीरो और पाई के बीच हो ही नहीं सकती, नहीं नहीं कोई हल है ही नहीं इसका यार, कोई हल है ही नहीं इसका, इसे कोई वो नहीं है, कुछ कुछ रूट नहीं है इसके, ये था कौन सा आपका सवाल भाई था या आसान था, ये अच्छा तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते होंगे घर बैठे करिए भी है अपनी बुक के, जितने भी होते हैं हो जाओ, मतलब जो मैं कराता हूँ उतने तो हो जाते होंगे, इतने से लेवल पे तो नहीं एन सी आर टी बुक के तो हो जाते होंगे दिल्ली, छोटे तो नहीं होता है तो, हाँ है नहीं तुम्हारे पास सर, इसमें दिखाऊँ ऑलरेडी शर्मा नहीं दिखाता मुझे क्वालिटी क्वेश्चन कहाँ, पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं भाई तुम्हें जो मैं करवाने चला था, देखा आपने कौन सा आपका फिर निगाह भी कमजोर कर दी इधर आगे, क्या कहते थे चौने में दिखे, क्या कहते हंसे थे
क्या कह रहे हैं? कैलाश मुनि बताओ, लोग तब नहीं सुनाया कभी? गए भी होंगे उसके आगे 2 किलोमीटर आगे कैलाश मुनि या लक्ष्मी चाट भंडार सुनी होगी ना, खाने की चीज कोई सुनी? लक्ष्मी चाट भंडार सुनी होगी जी? देखो भाई क्या है, एक बहुत सारे हैं। देखो भाई स्लिप कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट फॉर रेगुलेशन कोऑर्डिनेट फॉर रेगुलेशन इनटू लीनियर फैक्टर ऑफ ए रेगुलेशन इनटू लीनियर फैक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एक लीनियर फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी कहना चाहो, अगर इन्हें जीरो हटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या हमें करना है, लीनियर में क्या करना है, क्या कंडीशन होती है उसकी, लिखेंगे रिजोल्यूशन इन टू लीनियर फैक्टर, रिजोल्यूशन इन लिखेंगे रिजोल्यूशन in regulation in into linear rational factor regulation in into factor sir aapne required ko hai linear factor of quadratic equation ka likha रिजोल्यूशन क्या है? आजकल आदमी बहरा भी हो गया, बहरा और आंखें दोनों खराब हो गया आदमी की, हर एक ज्यादातर की। क्यों ऐसा क्यों बताऊं? एक तो मोबाइल देखते देखते आदमी अंधा हो गया, निगाह सभी कमज़ोर हो गई, चेक करा लो चाहे हो गई ना। एक बहरा क्यों हो गया? वो कानों के मोबाइल लगा रहा है या वो लीड लगी रहा है, उसमें थोड़ा ऊंचा सोने लग गया सब कुछ, चेक करा लो। मैंने कह रहा डॉक्टर करे ये किताबों सुने है नहीं बात है। देखो आदमी की जो शेप है कान की घुमा के है, और हम सीधी आवाज कानों के लगा लेते हैं जी, वो ढमक ढमक चल रहा है, वहाँ पर बेकार हो गया आदमी, बिल्कुल हल्की आवाज में किसी को हल्की बोले ऐह रहे हैं, सबको ऊंची आवाज़ की आदत होगी, तुम बोलते हो हल्की हल्की हरेप की आदत होगी ऊंची। तो भाई हाँ तो क्या आ गया, इसका क्या रिलेशन होगा, लिखेंगे ए बी सी, लिखो ए बी सी प्लस तुम ही लिखो यार, ए बी सी मेरे पास देखो, ए बी सी नीचे ए बी सी प्लस 2fgh fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू जीरो। इससे पहले लिख लो इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड, अगर यो हो तो वो भी होगा, इफ का मतलब क्या हो अगर, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हो और वो भी होगा, अगर आप स्कूल जाएंगे तो ये भी जाएंगे, अरे ये नहीं जाने तो ये हो गया आप हैं, तुम नहीं जाने, फिर हो गया इफ हैं। चलो
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कब रिजोल्यूशन होगा लीनियर में, अगर ये होगा। हाँ देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी बी, और एक्स का कोफिशिएंट टू जी, वाई का सी क्या है कोफिशिएंट। ये कंडीशन होगी नीचे इनका जो है इनके कोफिशिएंट का, इसका सोल्व कर लेंगे ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू, या एक और कंडीशन हो सकती है इसकी, ए एच जी एच बी एफ लिखो, आज भी कोई छोड़ भी नहीं गया आज, और ये जी एफ सी एफ सन में आ गए मैट्रिक्स में क्या ही इक्वल टू, या ये कंडीशन या तो ये हो या ये क्या करें क्या कह रहा है भाई दीदी, क्या 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 नहीं समझ में आ रहा, मतलब बोलो सर समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यो ये कहना चाह रहा कि अगर ये फंक्शन है ये क्वेश्चन होगी रिजोल्यूशन कह रहे हैं लीनियर में, तो क्या शर्त होनी चाहिए उसके लिए, वो वाली ए बी या तो यो या वो ए बी सी यू होगी, बस ये तो शर्त बता रहा है, सीधा रिजल्ट आएगा ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर लेना उसका, ये इक्वेशन नहीं है क्वाड्रेटिक। यस सर बड़ी सारी तो हो गई हो, जैसे बड़ा सा भाई मोटा सारा हो जाता है तो हो गया हो है नहीं, देखो पावर तो टू ही है सबकी, देख यहाँ भी टू पावर है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ वन है, ये कब लीनियर में रिजोल्यूशन होगा, कब होगा, या तो होगा ए बी सी या ये हो, ये बताया जा रहा कुछ नहीं सीधी सीधी बात है। आगे बात समझ, अब तो अब नहीं समझ भाई, अब तो कंफ्यूज नहीं हुए, लिखो इफ, देखो भाई अगर कोई इक्वेशन क्या है, मान लिया कोई इक्वेशन है ये, इतने ना कंफ्यूज हुआ करो यार, अब तो ठीक है सर, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूट कितने थे भाई, अल्फा बीटा थे, ए बी सी क्या था वो बिलोंग्स टू आर, और क्या शर्त थी, यहाँ से आ गया सर, तो बहुत बात कर लिया, लिखो अभी लिख ले आओ, वह देखो वह समीकरण ठीक है, विच इक्वेशन, पहले ये लिखो सारा भाई है, लिख लिया विच इक्वेशन मतलब एक समीकरण है, एक इक्वेशन है उसके मूल उसके रूट अल्फा बीटा है, वो समीकरण निकालनी है जिसके रूट क्या होंगे, लिखो विच समीकरण या वह समीकरण जिसके मूल या जिस विच समीकरण है रूट रूट कौन कौन से हो, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, क्या है विच इक्वेशन हैव रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, वो समीकरण कौन सी होगी, वो जिसके रूट क्या हो जाए माइनस अल्फा माइनस बीटा, अब वो तो है फिर मैं मूल का योग मूल का गुणनफल निकाल लूँ समीकरण निकाल लूँ, सीधा डायरेक्ट फॉर्म है, क्या कर दो रिप्लेस एक्स बाई माइनस x को क्या कर दो रिप्लेस, जानो क्या हो चुना कभी ना हाँ तो चेंज रिप्लेस करें भाई, जूता रिप्लेस कर दे भाई, बढ़िया नहीं पसंद आ रहा घर जा गए, ये तो इन्होंने दिलवा देते मेरे दोस्त ने, या मेरे दोस्त को समझ में नहीं आया भाई दूसरा ले हैं बाजी वाले क्यों फेल लिया, दोस्त बताया जब समझ में आया तो बेकार लिया जूता, अच्छा कभी बदला जाओगे हैं ऐसा ही नहीं होता, तो रिप्लेस x बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स की रिप्लेस करिए क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आता है
एक्स का स्क्वायर बी माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, वो इक्वेशन ही होगी भाई। अगर कोई इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा है वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट क्या हो माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या कर दूं मैं रिप्लेस, लिख नंबर दो, चलो लिखो मर जाए हाथ ही दुगे लिखते लिखते हैं, एल ई डी वाली बढ़ा रहे हैं, नहीं तो वैसे ही है सिंपल ही बोले, अब वो तो खत्म हो गई वो डिजिटल डैशबोर्ड में, अब नहीं है वो, अच्छा आज भी तो गरीब की लात है, बच्चे भी गरीब, बच्चे भी गरीब, टीचर भी गरीब ही है, देखो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, अगर रूट कितने हो भाई वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, तो क्या करेंगे क्या रिप्लेस करेंगे एक्स बाई वन बाई एक्स, रिप्लेस क्या करेंगे एक्स बाई, खुद लिख लेंगे रिप्लेस, मजबूरी समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाई कब, रूट हो और गिवन हो के अल्फा बीटा के रूट है तो निकाल लेंगे भाई, घर घर यह रख के दिखाऊं क्या आएगा, खड़ करो खड़ करो, अगर रूट ये क्या है के अल्फा रूट के बीट के बीटा, के क्या है कोई मल्टीपल है, मतलब टू अल्फा फोर अल्फा सिक्स अल्फा सेवन अल्फा है, लेकिन दोनों के मल्टीपल सेम होने चाहिए, यहाँ सेवन अल्फा है तो यहाँ सेवन बीटा, यहाँ यू नहीं है यहाँ थ्री अल्फा है तो यहाँ फाइव बीटा हो जाए, के ये के है नहीं मल्टीपल, देख के अल्फा के बीटा है नहीं, के की मल्टीप्लाई होगी, खुद ही मल्टी खुद ही नहीं दिख रहा, के थी तो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा भाई एक्स क्या भी रिप्लेस होगा एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई के, अगर ये रूट हो जाए भाई इसका ये भी तो हो सके मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी तो हो सके, यस सर क्या बताया मैंने अगर अल्फा की जगह अल्फा पोन के बीटा पोन के तो क्या आ जाएगा भाई, हाँ एक्स भाई क्या आ जाएगा के एक्स ही रिप्लेस कर दूंगा आपके, तो एक्स भाई के क्या रिप्लेस जाएगा के एक्स, और बोलो लिखो भाई लिखने बात, अगर रूट क्या हो भाई है अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जा, मतलब क्या है कि अगर रूट अल्फा बीटा दे रखे हो और रूट निकालना हो अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू इस तरह की चीज हो जाए कोई है तो क्या आ जाएगा रिप्लेस एक्स बाई, समझ में आ गया तो सारे हैं चढ़ेगी गाड़ी तो ट्रेन पर है, और अगर ये हो जाए भाई अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के ये क्या आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा भाई अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस के, लिखो ये भी लिख लिया, लिखो
अगर रूट ये हो जाए वही है, अगर इसकी रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लूँ फिर किसकी इक्वेशन निकलेगी भाई? करी भी थी मैंने एक बार स्क्वायर तो बहुत लंबा छोटा कर दिया था महाभारत की, क्या करना चाहिए? एक्स बाई क्या आना चाहिए? एक्स बाई रूट एक्स, एक्स बाई रूट एक्स। अगर भाई ये क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर वन अपॉन अल्फा स्क्वायर और वन अपॉन बीटा स्क्वायर क्या आएगा? एक्स बाई क्या आना चाहिए? ये अलग अलग कंडीशन है भाई, ये क्या है अगले अलग कंडीशन है, ये कहें कि रूट की निकाल डायरेक्ट कंडीशन बगैर बोल गए निकाल लूँगा तो भाई जैसे ये दे देगा, मान लिया कोई बड़ी सी क्वेश्चन दे दी है भाई इसके रूट अल्फा बीटा का मतलब 5 और 6 है तो देख लेंगे या 8 या 10 है जो भी है इसका, मान लो तो मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है या अल्फा बीटा ही दे दिए, ये कहेगा 5 अल्फा 5 बीटा वाली समीकरण बताओ भाई क्या होगा, तो कौन सी होगी सीधी? ये होगी 5 अल्फा 5 बीटा की, एक्स बाई के रख देंगे फिर भी आंसर निकल जाएगा तुम्हें भाई। या यूँ कहेगा क्या इसका स्क्वायर की बताओ, मान लिया अल्फा है अल्फा स्क्वायर बीटा तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, रूट एक्स की जगह क्या आना? अल्फा तो आना है, एक्स की जगह क्या आना? रूट एक्स, एक्स की जगह क्या आना? तो रूट एक्स तो ये तो जू का दूर आएगा भाई, बी क्या आएगा? बी रूट एक्स आ जाएगा प्लस सी का, क्या इक्वेशन आ जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू, यू नहीं आ जाएगी? बोलो क्या आएगी? ए क्या जाएगी, क्या जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी आ जाएगी। कब? अगर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा इसका करके दिखाइए क्या क्या आ सकती है रूट इसकी, इफ रूट है अल्फा माइनस के बीटा माइनस के करके लिख के थोड़ा सा लिख लीजिए यार, तुम्हारे पास क्या दिक्कत है? मेरे पास तो दिक्कत है, तुम्हारे पास क्या दिक्कत है? खोल भी लेंगे फिर yes, मैंने खोलने के लिए कहा था तुम्हें डायरेक्ट वही कर दे, चलो खोल लो कर जाके खुलेगा ना, तुम्हें एक्स स्क्वायर तुमने किसके लिए छोड़ा? मैं तो आपके पास छोड़ता हूँ, तो खोल लेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू के एक्स है yes, फिर तुम्हें भी लिया जाएगा। हाँ भाई ये काम करते ये कथा लिखी निकली और तुम सोचे तुमने छोड़ो पेंटे छुड़वा दिया। चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं, अगर मान लिया देखो भाई अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक आगे बढ़ जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना भाई छोटे छोटे बढ़िया तो समझ में आ गए। अगर कहीं ये आ जाए भाई इक्वेशन सोल्व करते करते, अब तो मैंने बराबर करा था, क्या करा था मैंने? बराबर करा था। अगर कहीं सोल्व करते करते मेरे पे ही आ जाए क्या आ जाए भाई?
x minus alpha x minus beta is greater than 0. इसके रूट जो अल्फा बीटा होंगे आउट होंगे, बाहर होंगे, क्या होंगे? बाहर होंगे, क्या होंगे वो, क्या होंगे, क्या लिमिट ले लूंगा मैं इसकी? लिखो जैसे लिखो पहले से चीजें और लिमिट को एक्स माइनस क्या गए मैंने हाँ मैंने ये सोल्व करते करते ऐसा आ गया, मतलब उसने जो है बराबर ना देखे दे रखा था इक्विवेलेंट ग्रेटर देन ये, तो क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफिनिटी। मान लिया अगर क्या फिगर बनाना है, ये माइनस इनफिनिटी था, ये अल्फा था, ये हाथ के खाली रह गया, ये कुछ नहीं होना यही हो। तो कहा होंगे आउट होंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा किसको लिखे जाएंगे, रूट ये लिखे जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। देखो भाई ब्रैकेट क्या होता है, देखो एक चीज होती है ये वाला ए बी और ये होता है ए बी, कुछ फर्क है दोनों में जो ये बता रही हूँ कि ध्यान आ गया तुम्हारे कहीं तुम्हारी बात ही ध्यान आया, मेरे ध्यान नहीं था नहीं तो ये चीज ये हाँ ये एक तो ये बता रहे हैं ये तो ओपन इंटरवल है ये क्लोज है और क्या फर्क है, बिल्कुल सही ना ये फिर मैं योग पढ़ गया तो आगे अब आ गई आप क्या देखो ये ये यही कहना चाह रही। देखो मान लिया ये कोई चीज़ है ए से बी तक के, अगर इसके बीच में ए टू बी यानी ना ए है ना बी है तो क्या है मैं ये स्मॉल ब्रैकेट में, अगर ए भी ले लूँ और दोनों भी हैं तो क्या होगा, मान लिया जैसे एक से दस तक नंबर बताओ, एक से दस के बीच कितने हो गए नंबर, आठ नहीं हो गए, अरे क्या एक से दस तक कितने नंबर हैं, फिर दस हैं, ये एक और दस भी इंक्लूड करना है स्मॉल और इसका ही आगे आगे बैठ जाओ। अब लिखेंगे लिखो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, पहले लिख लिया ये यहाँ आपके चलो क्या लिखा है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो की जगह पे यहाँ इसमें इक्वल भी लगा दे अपनी तरफ से, नहीं इसके नहीं नहीं भाई आपके वाइफ के कहा मैंने आपके क्या आ जाएगा ये, अब ये ए भी खुद भी हो जाएगी इंटरनल होगा, कहाँ होगा पॉइंट अल्फा बीटा कहाँ होंगे, इसमें लिख लो एक्सटर्नल पॉइंट ऊपर लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे क्या एक्सटर्नल, इसमें इसी उसके आपकी लिख लो इसमें उसके आपकी लिखना एक्सटर्नल ब्रैकेट कहाँ इसमें क्या होगा अगर ऐसा हो इक्वल भी हो या x belongs to minus alpha to alpha union ये छोटा ही रहेगा यहाँ beta to infinity हाँ a किस फर्क है दोनों में पहले वाले में yes, क्या फर्क है क्योंकि वहाँ स्मॉल लग रहा हाँ जो दोनों क्लोज है ये फर्क है आगे सुनने का अब ये अगर ये अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो क्या होगा ये क्या होगा जो अब नया लिखवाया मैंने वही 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 देख रहा मैं देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका भी हाल है अगर ऐसा हो
तो क्या होगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्या होगा बिटवीन इंटरवल बिटवीन अल्फा एंड अल्फा बीटा, बिटवीन लिखेंगे इंटरवल बिटवीन अल्फा बीटा, इंटरवल बिटवीन अल्फा बीटा, इंटरवल बिटवीन अल्फा बीटा, अच्छा अगर ये होता भाई कहीं लिख लिया भाई, अगर मैं क्या कर दूं इसमें ये लगा दूं मैं ये बस, फिर क्या होगा हाँ इंटरवल बिटवीन क्या क्या फर्क आएगा बस क्लोज हो जाएगा, लिखो इंटरवल बिटवीन, इंटरवल बिटवीन अल्फा बीटा, आई सुनिए देखो भाई ये तुम्हारी किताब है, ये सवाल आया था ये ठीक रहेगा पढ़ो सवाल की जोर से पढ़ो, ये लिखते भी जाओ मैं तो क्वेश्चन नहीं लिख लूंगा सीधी है। If the product भाई यू ही मिला मुझे काले था लिखा हुआ इसमें और तो सारे सफेद सफेद से हैं आस पास दिखाई नहीं कोई आया सवाल है लिख बोल लो क्या बेटे इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख रहो मुझे नहीं कह रहा है मुझे नहीं लिखा मैं नहीं लिख सकता मेरे तो यानी इतनी हिम्मत नहीं आज है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर पूरी भाई वो मुझे भी लिखना होगा यानी क्या बोल लो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू है टू रूट टू के एक्स टू रूट टू के एक्स आगे प्लस टू प्लस टू ई टू ई टू लोग के ई की पावर बोलते हैं ई की पावर टू लोग के टू लोग के टू ई की पावर लोग के लोग के यू ही तो भाई लोग से पहले टू है लोग से पहले यहाँ भी है टू तो यहाँ भी है ई की पावर टू लोग के आगे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन यहाँ है भाई यहाँ ऊपर ही है नीचे हाँ ये नीचे ई और टू लोग के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ई इक्वल टू जीरो इज थर्टी वन इज थर्टी वन इज थर्टी वन ये लिखो इज थर्टी वन देन द रूट of the equation r l 4 k find the k equal to क्या होगा भाई दूर से पढ़ दे भाई एक बार और अब तुम ही लिखो सुनिया अरे काला था जो आईआईटी में ये कहीं एक सवाल है एक मिनट में जाया भाई दिखा पहले हुआ करता था कि दिल्ली का जो होता था जो यूपी का होता था उसे कहते थे यूपीटीयू उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जेई ज्वाइंट इंजीनियर एंट्रेंस टेस्ट जेई ये दिल्ली वाले क्या कहते थे सीई। देखो भाई अब मैं जरा सवाल से समझा दूं भाई समझ आ गया सवाल आया नहीं सवाल भी नहीं समझ आया नहीं अच्छा अब तो लिख लिया प्रोडक्ट भी दे रखा गुरु जी मैंने 31 देख प्रोडक्ट दे रखा है देखो यूँ कह रहा है देखो अच्छा मैं बता रहा चलो मैं कह रहा है कि इसके रूट हैं क्या इसके रूट हैं रियल रूट हैं और इसका प्रोडक्ट भी -31 है ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी यू लिया मोटा मोटा अब सवाल समझ में आ गया अब तो दिक्कत नहीं है लेकिन सवाल क्या है देखो भाई
x स्क्वायर माइनस टू रूट टू ए एक्स प्लस टू ई की पावर टू लोग एक्स के माइनस वन इक्वल टू जीरो। यूँ कह रहा है इसके जो रूट का प्रोडक्ट है वो 31 है। मान ले दो रूट है इसके, कौन कौन से, अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो क्या गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट रूट ये अल्फा बीटा लिख लूँ या प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लूँ? सीधा देख मैं पढ़ाई लिखाऊंगी क्या आज, ले भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ में आ गया भाई? लिखिएगा इसकी वजह से है क्या आ गया भाई, क्या आ जाएगा बोल लो? फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट या कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म यूरी सारी क्या है? टू ई की पावर फिर वही गलती होगी, टू ई की पावर टू लॉग के माइनस वन इक्वल टू ये आ गया है भाई। ये तो क्या अपॉन अपॉन वन लिखू ना इक्वल टू कितना दिख गिवन आयो 30 बनाया माइनस 30 बनाया, देखिए कुछ सभी चीज तो नहीं है काम में देख ले भाई देख लिया। हाँ मैंने कहा भाई बाद में दिक्कत करे 32 बनेगा ना वो, ठीक है देखो भाई इसकी वजह देख के बता दे, इधर जाना भाई इसे इसे इधर कर दिया क्या आ गया 32, दिक्कत तो नहीं भाई। अब बात है ये भाई 2 ई की पावर 2 लॉग के, देखो कल मैंने फॉर्मूले बताया था एम एन की पावर एन का क्या आया था एन लोग एम बताना था। अब तो ये टू इधर लोग के स्क्वायर कर दो दिक्कत तो नहीं बोलो भाई कल तो की तो बात है लोग टू ई की पावर लोग के का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है भाई। अगर कहीं ई हो और उसकी पावर लोग हो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा खत्म हो जाओ, तो यही आता कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर लोग एक्स हो तो क्या आता है हमेशा लिख लिया फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या जाएगा भाई 2k² इज इक्वल टू और k स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 16 k इज इक्वल टू 4। अब बता मेरी उससे तो यूँ नहीं चाहिए भाई प्लस माइनस, बिल्कुल सही बात। अगर इसमें देख लियो आंसर पहले दे रखा मैंने 4 दे रखा है दोनों दे रखे बस बस वो यू भी सीधा तो उन भी सीधे है नहीं। अगर ये दंगा करता हम भी कर देते हैं कैसे कैसे अच्छा बात की भाई तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते तुम जैसे सीखे जा बच्चे बच्ची दिखाते हैं। अच्छा अब देखो अभी मुश्किल था आसान सवाल था और पहले कैसा था मुश्किल, अब तुम ही देखो जी आसान ही तो हो ही आसान यहाँ बोर्ड में लिख के मैं क्या करूँ भाई अब तो तुम्हारी किताब के छंटा मैंने और वो आया भाई छंटा में गए देखा मैं कहा देखा कहाँ को इधर से लिखा नहीं था इधर जा लिखा चाहने से भाई है क्या कह रहे थोड़ा सा जब ऐसा है ना सर ये ना आगे ला दिखा ये छोटा छोटा लिख रहा है जल्दी पढ़ लो जी जो टीचर होता है पापा जी के बाबा
जो टी शर्ट क्या होता है तो अच्छी बात हुई है। अच्छा तो गरीब दादा तुम ही चाहोगे तुम्हें पापा कोई भाई तुम्हें खोया हुआ है कोई बारिश बीच में इनके सवाल को बोले भैया इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर है ये चौक पर यहाँ लिख दूँ है ये फिर वो खत्म हो जाएगा हमारे भैया सुनने को बचा के रखती है आज तो छोटी छोटी करिए हाँ इन्हें बोल दो ये कहाँ से करेंगे इन अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू पाई बाई टू पी क्यू आर के बाद एंगल आर एंगल आर इज इक्वल टू पाई बाई टू इफ टेन ब्रैकेट पी बाई टू एंड टेन क्या है देखो भाई भाई इक्वेशन मुझे बोल देते थोड़ा सा मैं भी कर लेता थोड़ा सा है क्या इक्वेशन बोलो इक्वेशन है ट्रायंगल PQR है हाँ एक ट्रायंगल दे रखा है इसमें PQR ट्रायंगल क्या दे रखा है इसमें PQR आगे फिर क्या दे रखा है इसने एंगल R की वैल्यू है पाई बाई टू एंगल R R का मतलब ये 90 डिग्री का है भाई ये है देखो एक पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है यदि टेन पी बाई टू एंड टेन क्यू बाई टू टेन पी बाई टू एंड टेन क्यू बाई टू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ये तो है कौन सी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन तो दे रखी होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वही है मतलब पता नहीं वही क्या मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है भाई फिर क्या कर रहा है वो तो सब कुछ वो तो राम के साथ वो तो मंडे और आगे फिर क्या होगा आगे ऑप्शन ये है कि a प्लस b इक्वल टू c a b प्लस c इक्वल टू 0 तुम बताना क्या संबंध होता है क्या संबंध होगा इनमें a b c में सीधी रेखा निकालना है देखो भाई मेरे देखो मेरे सवाल याद हो गया देखो भाई सवाल करने की कोशिश करते हैं ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एक ट्राइंगल का एंगल r पाई बाई टू है वो एंगल जिसका पाई बाई टू का मतलब कितना होता है डिग्री में 90 यानी एक समकोण त्रिभुज है सीधे सीधे बता रहा हो एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर है और इसके जो इस समीकरण के हैं इसके मूल टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू हैं यही है या कुछ और है कितने मूल है इसके टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू हाँ रूट इसके इक्वेशन के ये खैर रूट तो कुछ भी कर सकते हैं जरूरी थोड़ी अल्फा बीटा का बैनाम हुआ अगर अल्फा बीटा ही रहेंगे वो तो नहीं है अच्छा अब यूँ कह रहा कि इसमें रिलेशन निकालनी ठीक है भाई अच्छा जब इसके रूट होंगे मेरे पास तो वही पता सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ मैं दो ही फॉर्म लिया बेचारे ले देखे है ही कुछ इसका क्या आ जाएगा बोल लो टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू क्या आ जाएगा बोल लो माइनस बी बोल लो भाई टेन पी बाई टू मल्टीप्लाई टेन क्यू बाई टू इक्वल टू सी प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट अपॉन यहाँ तो बात सुना होगी अच्छा ए भी है तुम भाई बहुत तेजी की भाई तो वो तो नहीं गलती करती भाई एलिवेट कर मेरी जानता मैं तो अच्छा ए मान रहा हुई मैं पता नहीं था मैंने सोचा एक्स स्क्वायर है खाली है
हाँ वो ज्यादातर हम वही वही सोच रहे हैं, हम तो उसी राम के समझ युग में चल रहे हैं। यहाँ तक बात नहीं आ गई भाई, दिक्कत तो नहीं भाई, मेरे रटने वाली बात तो नहीं गई, यहाँ तक क्या आसान हो गया सवाल। अच्छा देखो भाई, ये क्या चीज है, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 190 या पाई होता है, इसमें से एक पाई बाई टू, इन दोनों का सम कितना रह जाएगा रिमेनिंग 90 रह जाएगा, यानी कितना जाएगा पाई बाई, यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू पाई बाई टू लिख लो, दिक्कत तो नहीं बोल लो। यानी पी प्लस क्यू या लिख ले, अगर नहीं समझ में आ रहा बेटे लिख ले, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180, आर की वैल्यू पाई बाई टू रख ले और पी प्लस क्यू इक्वल टू 190, ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया जो किसी भी तरह से यही कह दो, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो जो एंगल बचे हैं उन दोनों का सम 90 हो, क्योंकि जब एक 90 है तो दो दोनों का सम भी 90 रह जाएगा। जैसे घर में अगर 7 बीघे जमीन है, एक पर 3 आ गई तो दो भाई पर कितनी हो गई, 3 भाई हैं तो 4 बीघे रह गए हैं, नहीं 40 60 30 तो हो गया बेटे, क्योंकि क्यों करा इक्वल है वो ज्यादा नहीं, गल लगानी भाई, इसी नहीं लगानी वो ज्यादा लगा ली, क्या आगे बोलो पी प्लस क्यू इक्वल टू, कैसा क्यू बनाया छोटा सा, इक्वल टू फाइव बाई टू भाई, दिक्कत तो नहीं है मुझे भी दिख रहा है, यो पाई बाई टू है, यो आधा होना है, यो तो दो से डिवाइड कर दू, दिक्कत तो नहीं बता दे भाई, मुझे डिवाइड कर दू तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू मल्टीप्लाई, इन्हें अलग अलग कर दूंगा, पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू पाई बाई, बता यहाँ तक की मुश्किल बड़ा आसान, ज़्यादा मुश्किल तो कुछ नई बात नहीं बताई भाई मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है जो अब मैंने ना बताई हो या आपको ना पता हो, हैं। अब दोनों तरफ ये टेन है, अब दोनों तरफ टेन ले लूँ, जैसे लोग भी ले साइन भी ले हैं, तो क्या जाएगा बोल लो, टेन पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू टेन पाई बाई, बोल लो भाई इधर देख लेते थोड़ा सा, ये क्या आ गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी को भाई, हाँ है आगे क्या जाएगा, हाँ बोल लो क्या जाएगा, टेन टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू वन माइनस टेन, बस चमक रहा नहीं ये छोटा सा भाई, हाँ भाई चमक रहा, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है भाई, रटने वाली बात तो नहीं है भाई कोई, और टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस के बी अपॉन ए, नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस मल्टीप्लाई क्या आ गई इनकी इक्वल टू वन, देख बन गए नहीं आदमी से एकदम, अब तो लग गया आदमी से है, क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, ए की सी में क्या आ गया ए माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन ए, देखो भाई दो फ्रैक्शन है, एक ऊपर है एक, अगर दोनों के डिनोमीटर सेम तो न्यूनिटर आपस में कट जाओ, इसका डिनोमीटर कितना है, इसका डिनोमीटर कितना है, ए से ए चले जाएगा, समझ में नहीं आएगा, या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन लिखूं बच्चों की तरह, बोलो भाई इस ए से क्या बच जाएगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इक्वल टू वन, माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, इधर आगे क्या जाएगा, ये माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए, देखो क्या भाई साहब क्या प्रूव करवाए, कोई ऐसी चीज सी है, देखिए कोई ऐसी चीज है, कोई है, कोई नहीं है, सर ये गलत पढ़ जाएगा उनसे, लेकिन अगर नहीं आया तो अरे नहीं होगा ऐसा यार, इतनी तो मेरे से इतनी तो मेहनत करी है, सारी मेहनत जगह चली गई है नहीं कोई आंसर, यार ये तो बस तू डरा रहे यार, ये नहीं रखा तू डरा रहे यार, तेरे ही भाई इसका आधा आदमी तो बना ना, थोड़ा और सही तो यही तो कहते हैं, वो तो तुम ही बताओगे ना क्या चाहिए मुझे, सर ये हो सकता है जो, अरे
अरे देखो, अरे बी को तो इधर लिया, सी को इधर लिया भाई। मैंने कर दिया था मतलब बी इधर रखी भाई लाइन। मैंने ये कहा था किस शक्ल में देख लो, शक्ल तो तुम्हें बताओ कि आंसर चाहिए। वो भी लिखा था, वो भी एक आंसर है, वो भी एक आंसर है, और ये भी एक आंसर है। तो क्या गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो दिल्ली आईआईटी का है, आगे समझो सवाल ये। अच्छा क्या था क्वेश्चन, ये एक क्या था, ये दैट इज ए क्या थी, एक राइट राइट ट्राइंगल में क्या था, एक इसके जी कितने वो थे, दो कि दो क्या थे उसके, वो कौन कौन से थे, और टेन क्यू बाई टू। तो प्रूव क्या करना था इसमें, ये प्रूव करना था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सर क्या पहले क्या निकल रहा है, ये सम ऑफ, सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। अच्छा ये क्यों लिखा, पी प्लस क्यू इक्वल टू पाई बाई टू क्यों लिखा, क्यू आई पाई बाई टू, पी प्लस क्यू पाई बाई टू, क्यू आई नाइनटी। हाँ ये राइट, ये कैसी ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल का एक एंगल अगर पाई बाई टू है तो रिमेनिंग एंगल का सम कितना होगा। फिर क्या करा मैंने, यहाँ इन दोनों का क्या ले लिया, ये पी प्लस क्यू इक्वल टू पाई बाई टू। फिर क्या करा दोनों का, क्या कर दिया मैंने, क्या करा, हाँ टू से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद क्या करा दोनों, दोनों तरफ क्या ले लिया, ये टेन। तो ये क्या का फॉर्म ले आइए, टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन वन रख दी। फिर इसमें क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। तो उसको ठीक है, ये सर मैंने कम्प्लेक्स नंबर के बना लिया, मैंने इनके लिए पेपर बना के लाया था, क्वेश्चन दिया मैंने इनको। कम्प्लेक्स नंबर क्या लगेगा, खत्म हो गया था कंप्लेक्स नंबर 10। अच्छा पूरा हो गया, जी जी। जी दिए थे मैंने, दिए आठ क्वेश्चन दिए थे मैंने, कहा दिए थे उनको दिखाना, पढ़ से कहाँ है वो पेपर, कहाँ है वो, दिए थे वो कोचिंग में जाते हैं, एबीसी में पढ़ाया है, हम ही जाते हैं वहाँ, मोटी फीस मिलती है। हमारे यहाँ मदन जी पढ़ते हैं केमिस्ट्री, वो एलएन में 5 साल पढ़ा गए। फिर ये जो मुज्तबा है वो एबीसी में, एबीसी में पढ़ा रहे हैं, एलएन पढ़ता है बहुत अच्छा है जी जी, वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, लाइक टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, टीचर यही है जो वहाँ भी जाते हैं, जो मैं पढ़ा रहा था हमारा भाई मेरा थोड़ा बहुत थोड़ा गर्मी है, ठीक है आ जाओ, हाँ ठीक है आज आज से बन जाओ, आप चले जाओ, ठीक है बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतने है, चले जाओ। ये फिर रस्ते बंद हो रहे हैं, मेरे को तेली का जाएंगे, ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है, ठीक है बैट्स बोल रहे, थैंक यू, ठीक है भाई साहब।
ठीक है सर, लगे रहो बच्चे के साथ। जी सर कर तो रहे सर, अपनी उससे जितना होता है सर। सर आपने कल आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।